क्या 34 देशों के बाद भारत वो 35वां देश बन जाएगा जहां सेम सेक्स मैरिज लीगल हो सकती है? दोस्तों, पूरी दुनिया की नजर आज भारत की सबसे बड़ी अदालत पर टिकी हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित 5 जजों की संवैधानिक बेंच इस मामले में जिन पेचीदगियों पर विचार कर रही है उसे दुनिया भर में पढ़ा और देखा जा रहा है। सेम सेक्स मैरिज यानी कि वो समलैंगिक कपल जो अपने आप को बाकी कपल्स की तरह ही मानते हैं, इन कपल्स की मांग है कि उनकी शादी को भी एक नॉर्मल शादी जैसी कानूनी मान्यता मिले, उन्हें भी वो कानूनी अधिकार मिले, सामाजिक अधिकार मिले जो एक नॉर्मल कपल को मिलते हैं, उन्हें भी बच्चे अडॉप्ट करने के बाकी कपल्स की तरह अधिकार मिले। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो सुनवाई कर रहा है वो हम सबको जानना और समझना बहुत जरूरी है। वैसे तो सुनवाई अभी चली रही है, लेकिन इसकी कुछ बड़ी बातें हैं जो मैं आपको बताती हूँ। पहली बड़ी बात, इस मामले में सरकार का क्या टेक है, सरकार ने क्या कहा कोर्ट में? केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि हमने इस पर आपत्ति जताते हुए एक आवेदन दिया है कि क्या इस मामले में अदालतें दखल दे सकती हैं या ये सिर्फ संसद का एकाधिकार है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि समलैंगिक विवाह पर संसद को फैसला लेने दीजिए। इस पर CJI ने कहा कि हम इंचार्ज हैं, हम तय करेंगे कि किस मामले पर सुनवाई करनी है और किस पर नहीं करनी है। दोस्तों, सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से बड़ी एक अहम टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सवाल ये नहीं कि आपके जानंग क्या है। स्पेशल मैरिज एक्ट पुरुष और महिला की बात करता है, तो पुरुष और महिला की धारणा पूरी तरह से जानंगों पर आधारित नहीं है। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी पेश हुए और उन्होंने कहा कि हम सेम सेक्स के लोग हैं और हमारे वही अधिकार हैं जो हेट्रोसेक्सुअल ग्रुप के हैं। हम भी शादी की संस्था चाहते हैं, समाज में उसकी जैसी मान्यता है, हम भी चाहते हैं कि हम उसका हिस्सा बने। हम चाहते हैं कि ये घोषित किया जाए कि हमें विवाह का अधिकार है। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इस अधिकार को राज्य मान्यता दे। स्पेशल मैरिज एक्ट में पति या पत्नी शब्द की जगह स्पाउस इस्तेमाल किया जाए। हालांकि इन दलीलों के अलावा भी कुछ बहुत ही तार्किक दलीलें हैं दोस्तों, जिन पर अभी बहस आगे होगी। जैसे कि अगर सेम सेक्स शादियां लीगल हो गई तो फिर क्या ऐसे कपल बच्चा भी लीगली अडॉप्ट कर पाएंगे? इस आधार पर अगर आगे डिवोर्स होता है, क्योंकि शादी लीगल होगी तो फिर डिवोर्स भी लीगल होगा, अगर डिवोर्स होता है तो माता पिता के अधिकार कैसे बटेंगे, कौन माँ कौन बाप? जाहिर है अभी कई ऐसी पेचीदगियां हैं जिस पर कोर्ट मंथन करेगा, सारे पक्षों को कोर्ट सुनेगा। लेकिन ये बहस अपने आप में सुनने लायक है, पढ़ने लायक है, जिसमें भगवान अयप्पा से लेकर खजुराहो तक का जिक्र हो रहा है। इस संवैधानिक पीठ में CJI चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस हेमा कोहली शामिल हैं, जो स्पेशल मैरिज एक्ट सहित कानूनी यहां तक कि धार्मिक तौर पर भी इस मामले में क्या क्या सवाल उठ रहे हैं उन पर बहसों को बड़े गौर से, बड़े इत्मीनान से सुन रहे हैं। बहुत बड़ी अदालत लगी हुई है। आगे भी कई वीडियोस में इस मामले में आपको अपडेट करके बनाऊंगी, लेकिन हो सके तो आप खुद भी इस मामले में खुद को एजुकेट करिए और हर पहलू में एजुकेट करिए, वो पहलू भी जिससे आप संतुष्ट हैं या जिसकी तरफ आप हैं, और वो पहलू भी जिसकी तरफ आप नहीं हैं, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाले मुल्क में इस तरह की बहसें रोज़ रोज़ नहीं होती हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।